हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 10 का चैप्टर। ये है यूनिट नंबर 3 की 3.6 द कंसर्ट लेसन। सो चलिए फटाफट देख लेते हैं लेसन के बारे में और ऑथर के बारे में और समझ लेते हैं इसे। बट उससे पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको इस तरीके के लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, पसंद आए तो एक लाइक बटन हिट जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ऑथर के बारे में। तो इस लेसन के ऑथर है, राइटर है शांता राव एंड she was born in 1930 and lived till 2007 and she was a notable dancer from India. ये एक बहुत ही famous dancer रही है इंडिया की। She was exponent of Bharatnatyam and also studied Kathakali and Kuchipudi. तो ये एक student और एक बहुत ही well-versed dancer रही है। Bharatnatyam और Kathakali और Kuchipudi में भी बहुत माहिर थी। ये है डांस फॉर्म, एक डांस स्टाइल जो के साउथ इंडिया में फॉलो किया जाता है, तो वो इसमें भी एक्सपर्टाइज थी। नाउ शी वाज अ रेसिपिएंट ऑफ पद्मश्री एंड संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड एंड कालिदास सम्मान फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। सो शी वाज अ रिसीवर ऑफ पद्मश्री अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उन्हें मिला है, कालिदास सम्मान अवार्ड उन्हें मिला है और ये सब चीज उन्हें म्यूजिक डांस और ड्रामा के फील्ड में मिला है। मतलब ये शांताराव जो है ये म्यूजिक डांस और ड्रामा के फील्ड में बहुत ही एक्सपर्ट थी। इन्होंने ये चैप्टर को लिखा है, तो चलिए आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिल रहा है। So this is a true story, but all the names except Pandit Ravi Shankar's and Ustad Alara Khan's have been changed. So obviously this is a true story and it's related to music. क्योंकि जो author है वो खुद music field से belong करती है, तो ये chapter में भी हमको music के बारे में ही कुछ पढ़ने को मिलेगा। और ये एक true story है, based on true life story। और यहाँ पर जो नाम mention किया है lesson में, Pandit Ravi Shankar और उस्ताद अल्लाह रखा का, ये ओरिजिनल नाम्स है कैरेक्टर्स के। बाकी के जो सारे नाम्स है वो चेंज करके दिया गया है इस चैप्टर में। ओके, ये दो नाम भी बहुत ही फेमस है म्यूजिकल फील्ड में, आप लोगों को पता ही होगा। सो लेट्स मूव। एवरीवन लाइक्स म्यूजिक, म्यूजिक इज अ डिवाइन आर्ट, म्यूजिक चेंजेस द लाइफ ऑफ मैन, म्यूजिक इज अ पावरफुल मीडिया। तो ऑब्वियसली बिकॉज शी इज अ म्यूजिशियन डांसर in the field of drama and she says that everyone likes music, सबको music पसंद है, ये एक divine art है और ये एक इंसान की life को change कर सकता है music, और बहुत ही powerful media भी है। So here the author narrates an incident which is very much touching, okay? बहुत ही emotional और heart touching story है, एक incident है जो एक real life में हुआ है और उसे author यहाँ पे narrate कर रही है। So Smita was a 16 years old girl while reading the newspaper and said excitedly that Pandit Ravi Shankar's concert will be held at Shanmukhananda Auditorium the next day. So ये जो character है Smita, ये name changed हुआ है जैसे हमने पहले देखा। तो ये जो लड़की है ये 16 years old है और ये newspaper पढ़ते वक्त she just excitedly, बहुत खुशी से वो पंडित रविशंकर का concert होने वाला है Shanmukhananda Auditorium Hall में the next day। तो वो बहुत excited हो जाती है। इससे पता चलता है कि Smita जो है वो भी music से बहुत दिलचस्प रखती है, बहुत ही पसंद करती है musical field को। And Smita, her mother and her brother Anand, who was suffering from cancer, came to Bombay for treatment. तो Smita, उसकी माँ और उसका जो भाई जिसका नाम आनंद है, सब बॉम्बे आए हुए थे क्योंकि उसके भाई आनंद को कैंसर हुआ था और वो ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे में रुके थे। They stayed in Bombay for treatment. They stayed in Aunt Sushila's apartment in Bombay. So they stayed in aunt's house. Aunt Sushila थी जिनके apartment में वो बॉम्बे में रहते थे और treatment करा रहे थे। When she told the mother loudly, her mother said to her, "Don't shout. Your brother will wake up. Don't you know he needs to sleep and take rest?" But the boy was not sleeping. He was fond of music and wanted to learn sitar. Both brother and sister joined the sitar class.
ओके सो इट हैपेंस दैट जब ये जोर से पढ़ती है न्यूज़पेपर्स में ताकि नेक्स्ट डे एक कॉन्सर्ट होने वाला है, तभी उनकी माँ कहती है कि व्हाई यू आर शाउटिंग एंड सेइंग योर ब्रदर विल वेक अप, भाई सो रहा है, वो उठ जाएगा, उसे रेस्ट की जरूरत है. बट तभी वो जो भाई होता है, जो लड़का होता है, वो सोता नहीं है, बट वो सुनता रहता है कि क्या ये लोग बात कर रहे हैं, और उसे समझ आ जाता है कि ये कुछ म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हैं. और इवन ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, उसे भी म्यूजिक बहुत पसंद था, और उसे सितार जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे सीखना चाहता था. और बहुत भाई एंड बहन, ब्रदर एंड सिस्टर दोनों को सितार क्लास ज्वाइन करना था, और किए भी थे उन्होंने शुरुआत में. When he heard the name Pandit Ravi Shankar, he was eager to know the details, so he tried to raise himself upon his elbows, but he could not. He fell back. So when he heard the name of Pandit Ravi Shankar, he was very eager. जैसे ही नाम सुना रविशंकर जी का, वो फटाक से उठना चाहा अपने हाथों के सहारे, but he couldn't. He fell back. वो वापस से गिर गया. Now, Anand was 15 years old, the best table tennis player in the school and the fastest runner. So, he was 15 years old, और वो एक बेस्ट टेनिस प्लेयर थे और एक फास्ट रनर भी रह चुका है स्कूल में. नाउ अब उनको ट्रीटमेंट चल रहा है जो कि एक कैंसर के पेशेंट हो गए हैं. नाउ ही वॉज लर्निंग टू प्ले द सितार एंड बेटर देन हिज सिस्टर स्मिता एज इन मेनी अदर थिंग्स. He was quite intelligent and skillful. He was already able to compose his own tunes. So यहाँ पे आनंद के बारे में कहा गया है कि वो ऑलरेडी सितार प्ले करना स्टार्ट कर दिया था, और अपनी बहन से स्मिता से ज्यादा ही अच्छा प्ले करता था, और बहुत ही इंटेलिजेंट और स्किलफुल था, और बहुत से खुद के ट्यून्स पे उसने कंपोज कर चुका था अब तक. मतलब ही वॉज सो मच इंटरेस्टेड एंड ही हैड शोन दैट सक्सेस इन दैट फील्ड. But unfortunately, now he is not well. Then cancer struck and they came to Bombay with great hopes. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. They had believed that Anand would be cured and he would again walk and run and take part in the forthcoming table tennis tournament. So, अभी अनफॉर्चुनेटली उसे कैंसर स्ट्रक हो गया है, और जब भी वो बॉम्बे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो बहुत ही उम्मीद और होप लेकर आते हैं, और वो यहाँ पे आंट सुशीला के घर पर ही रहते हैं. और यहाँ पर एक उम्मीद थी कि उनकी फैमिली मेम्बर्स को कि आनंद बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा, सही हो जाएगा, और फिर से पहले जैसे भागना दौड़ना और सारे जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किया करता था सारे में वो फिर पार्टिसिपेट कर पाएगा. He would play sitar and perhaps would be a great sitarist. तो ये भी एक उनका ड्रीम था, होप था कि वो एक बहुत अच्छा सितार प्ले करेगा और बहुत ही बड़ा और नामी ग्रामी सितारिस्ट बन पाएगा आगे चलकर, जब वो ठीक हो जाएगा तो. बट देयर बैड लक, हिज कंडीशन ग्रू वर्स डे बाई डे एंड द डॉक्टर सेड टेक हिम होम, गिव हिम वॉट ही लाइक्स, सेटिस्फाई हिम बिकॉज हिज एंड इज नॉट सो फार. As a parent, they hide the truth. They laughed and smiled and talked Anand with whatever made him happy. So, यहाँ पे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग हुआ, बहुत ही बैड लक था उनका कि उसका जो कंडीशन था वो बहुत ही बिगड़ता गया दिन ब दिन, और डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया कि आप उसे घर ले जाइए, उसे जो पसंद आता है उसे वो दीजिए, बिकॉज उसका एंड, उसका खात्मा बहुत ही नजदीक है. ही इज नॉट गोइंग टू लिव मोर. और एज अ पेरेंट दे हाइड द ट्रूथ. पेरेंट थे वो उसे सच्चाई नहीं बताना चाहते थे कि उनकी उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तो उसके साथ हमेशा रहते थे, हंसते थे, बोलते थे, और उसे जो भी पसंद आता था, जो भी उसे चीज उसे खुश कर सकता था, वो सब वहां पर वो लाकर उसे दिया करते थे और वही चीज किया करते थे उसके साथ. दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड एंड गेव वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर. नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू कॉन्सर्ट. सो ही दे फुलफिल्ड एवरी नीड वॉट एवर ही वॉन्टेड. जो भी वो चाहता था वो सारा नीड, वो सारा चीज, ख्वाहिश उसकी पूरी होती थी. अब वो चाह रहा था कि उसे ये कॉन्सर्ट में जाना है, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में. ही वॉज वेरी ईगर टू हियर हिम एंड सी हिम. मदर केम एंड सेड टू हिम, लाई डाउन सन, लाई डाउन. शी वॉज हेल्पलेस सीइंग हर सन्स कंडीशन. शी फेल्ट वेरी सैड एंड अटर्ड अ प्रेयर. अब जब भी वो ये सुनता था म्यूजिकल कॉन्सर्ट के बारे में, ही बिकेम वेरी ईगर, ही वॉज वेरी क्यूरियस, ही वॉन्टेड टू गो देर. बट मदर
She used to just tell him to lie down, ki let jao, take rest, because you are not able to, you are not well, because she was helpless, she couldn't do anything, it was not in her hands, unke haathon mein kuch nahi tha, wo sirf bahut udaas ho jati thi aur prayer karne lagti thi taki wo sahi ho jaye. Then Anant repeated, I must hear him and see him, it's the chance of a lifetime. Immediately he began to cough and catch a breath with open mouth and had to be given oxygen from the cylinder. सो अनंत बार बार वही रिपीट कर रहा था कि उसे मिलना है, उसे देखना है, बिकॉज एक लाइफ टाइम का चांस होता है, बार बार ये मौका नहीं आता है. और ये कहते कहते ही उसे कॉफ आने लगा और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसे क्विकली ऑक्सीजन सिलेंडर देना पड़ा, लगाना पड़ा. Smita felt very guilty when she read the news. She had been so excited that she completely forgot the condition of her brother. She had known the frightening truth that he was going to die. He was suffering from cancer and doctors gave no hope. तो यहाँ पे ये हालत देखकर स्मिता बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि वो भूल जाती है न्यूज पढ़ते पढ़ते कि उसके भाई की तबीयत ठीक नहीं है. और वो बहुत ही खुशी से एक्साइटेड होकर जोर से बोल देती है, वो न्यूज पढ़ लेती है कि कॉन्सर्ट होने वाला है और उसे जाना है, जबकि उसके पता होता है कि एक बहुत ही दर्दनाक ट्रूथ है, जो कि ये है कि हिज ब्रदर हर ब्रदर इज गोइंग टू डाई एंड बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड डॉक्टर्स हैव already given no hope. So mother consoled his son and said, this is not the last time that they are going to play. When you are better, then we will go. So mother jaise dilasa deti hai son ko ki ye last part thodi na wo concert kar rahe hai, iske baad aur bhi kai baar concert hoga aur jab tum theek ho jaoge tab hum chale jayenge concert mein. Is tarike se mother us ladke ko console karti hai, dilasa deti hai. Smita stood at the window, her eyes filled with tears. Seeing this, the mother whispered to Smita that she can go with her father. Smita went to Aunt Sushila and expressed her sorrow and how she can go without her brother. The aunt suggested her to walk in the park sometime. Smita was grateful to her suggestion. Okay, so Smita kya karti hai? Wo bahut udaas ho jati hai, wo window ke paas jaakar khadi rehti hai aur use bahut zyada guilty feel hota hai. और ये देखकर उसकी माँ को उसे कहती है कि तुम अपने फादर के साथ कॉन्सर्ट में जा सकती हो, बट शी इज नॉट रेडी नाउ. शी एक्सप्रेसेस दिस फीलिंग ऑफ सॉरो टू आंट सुशीला, जिनके घर में वो रह रही थी, उनसे शेयर करती है कि मैं कैसे अपने भाई को छोड़कर जा सकती हूँ, जबकि हम दोनों साथ में सब सीखा करते थे. तो आंट यहाँ पर उसे एक सजेशन देती है कि अभी के लिए यू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क एंड स्पेंड सम टाइम, यू विल फील गुड. And that was a good suggestion for her. She felt grateful. Now, while walking in the park, a daring thought came to her mind and she hurried home. She decided that there is no harm in trying it. The plan was ready in her mind. She asked her mother and father and agreed to get the tickets. So, जब वो पार्क पे चलती होती है तो उसे एक बहुत ही daring plan आता है, एक thought आता है उसके mind में, और वो quickly हरीडली भागते हुए घर आ जाती है और वो डिसाइड करते हैं कि ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है. और प्लान ऑलरेडी रेडी रहता है उसके माइंड में और मदर एंड फादर को कहती है वो कि मेरे लिए टिकट्स बुक कर दीजिए. एंड द टिकट्स आर बुक्ड एंड स्मिता गोज टू द कंसर्ट. नाउ स्मिता लिसन्ड टू द कंसर्ट, शी वॉज सो मच एक्साइटेड एंड फेल्ट दैट वॉज ऑल इन अ ड्रीम. शी लिसन्ड टू द अनफोल्डिंग रागास बट ऑल द वाइल शी रिमेम्बर्ड हर प्लान. The concert came to an end and people began to move towards the exit. So at last concert mein chali jati hai Smita aur wo bahut hi excited rehti hai, bahut hi khush hoti hai. Use aisa lagta hai ki uska jo dream hai wo sach ho gaya hai, ya use lagta hai ki wo ek sapna hi dekh rahi hai concert mein jo baithi hoti hai. To and she listens to all the ragas, all the tunes which are played while everything, she also remembers her plan. Use jo plan aaya hota hai mind mein wo bhi use yaad rehta hai ki use kya karna hai, kya plan hai uska. और उसी वक्त कॉन्सर्ट ख़त्म भी हो जाते हैं और एक स्पीच के बाद सो सारे पीपल है जो लोग होते हैं वहाँ से निकलने लगते हैं, एग्जिट हो जाते हैं. नाउ वॉज द टाइम स्मिता वेंट टूवर्ड्स द स्टेज. पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अलारखा वर स्टैंडिंग. स्मिताज हार्ट वॉज बीटिंग लाउडली, हर नीज फेल्ट वीक, हर टंग बिकेम ड्राई, बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम विद हर हैंड्स फोल्डेड शी कॉल्ड, ओह सर. Both of them saw Smita and asked, yes.
She narrated the condition of her brother and his longing to wish to see them. ओके सो वो जो प्लान था अब वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है, वो यहाँ पे अप्लाई कर रही है. स्मिता फटाफट जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो स्टेज की तरफ भागती है और वहाँ पे पंडित रविशंकर और उस्ताद अलरखा खड़े रहते हैं, कुछ बातें करते होते हैं. तभी स्मिता बहुत ही नर्वस होकर भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली हिम्मत से ऊपर जाती है और ओह सर करके उन्हें बुलाती है, और दोनों सर जो उधर होते हैं कहते हैं कि यस क्या हुआ. तो फिर वो सारा अपना जो उसका कंडीशन होता है उसके ब्रदर का कि उसे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ ज़्यादा जीने वाला नहीं है और उसे एक विश है कि वो आपसे मिले, आपका म्यूजिक कंसर्ट देखे. तो इसके बाद दैट मोमेंट द मैन हु मेड अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच केम एंड सेड टू स्मिता दैट पंडित जी इज अ बिजी मैन, यू मस्ट नॉट ट्रबल हिम विद दिस रिक्वेस्ट. He asked Ustad Sahib, and without any thought, Ustad said that tomorrow morning we will perform for the boy. Panditji said yes and also agreed. Okay, so जब वो ये request करती है तो वहाँ पर जो speech देते दिए होते हैं वो person आके बोलते हैं कि इस तरीके के फालतू request नहीं करना चाहिए और पंडित जी को trouble मत करिए. But वहाँ पर पंडित जी और साहब उसे ignore करते हैं, उसे चुप रहने को कहते हैं उस आदमी को, उस शख्स को, और वो एग्री कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे वो परफॉर्म करेंगे इस लड़के के लिए. एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर स्मिता. स्मिता केम बैक होम एंड सेड टू एवरीबॉडी स्पेशली फॉर आनंद. द नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अलारखा केम टू देयर होम. दे परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ आनंद हु वाज लाइंग ऑन द बेड. आनंद वाज लिसनिंग टू द म्यूजिक. द ग्रेट एंड ब्यूटिफुल हैप्पीनेस एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली. Okay, so now this was very exciting for Smita and all her family members, especially to Anand. And next day, what happened was Ravi Shankar, Pandit Ravi Shankar aur Ustad Alarakha unke ghar aaye aur unhone perform bhi kiya apna music Anand ke samne while Anand was lying on the bed. He was still lying on the bed. He listened to the music. He was very satisfied. The great and beautiful happiness jo use life pe chahiye tha wo use mil gaya aur usi ke saath saath us की जो लाइफ थी उससे बाहर निकलती चली गई जेंटली, वेरी जेंटली. सो वेरी हैप्पीली ही लेफ्ट द वर्ल्ड. सो लाइक दिस विद द लिसनिंग ऑफ द सॉन्ग द म्यूजिक ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड. सो यहाँ पर ये दो महान शख्स जो है म्यूजिकल फील्ड के, उनके एक काइंड हार्टेडनेस को दिखाया गया है और किस तरीके से वो उस बॉय का, उस लड़के का विश पूरा करते हैं. तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर लेसन समझ में आया और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. विल बी बैक सून विथ मोर सच वीडियोस. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर. थैंक यू.